نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की आमद आमद है. पूरे मुल्क की रंगत बदली हुई नजर आ रही है. कपड़ों की दुकानों में तमाम मैनिक्विंस को सुर्ख लिबासों से मलबूस करके दुकानदार अपने सुर्ख लिबासों की फरोख्त का मौका समझ रहे हैं. किताबों की दुकानों पर वैलेंटाइन कार्ड्स, रिबन्स, बंटिंग्स, बलून्स वगैरह की नुमाइश करके मोहब्बत के दावेदारों को मुतवज्जे करने की कोशिश की जा रही है. फूल बेचने वाले स्टॉल्स पर तो सुर्ख गुलाबों की खरीदो फरोख्त के अड्डे लगे हैं. एक एक गुलाब मुंह बोली कीमत में बिक रहा है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी सुर्ख पैकिंग्स के अंदर चॉकलेट्स और क्यूरियोस की नुमाइश लगाकर बेवकूफ मोहब्बत के पुजारियों को लूटने के मुंतजर हैं. ज्वेलरी शॉप्स भी अपना फितना पैदा करने में पेश नजर आती हैं. गोल्ड और डायमंड्स के हार्ट शेप पेंडेंट्स और ब्रेसलेट्स वगैरह की कीमतों की ऑफर्स लगा लगा कर इश्तहारबाजियाँ कर करके महंगे से महंगे तहाइफ देने की राह दिखाई जा रही है. यहाँ तक कि छोटे छोटे कमसेन स्ट्रीट हॉकर्स भी गुलाब के फूल और वो सुर्ख कलर के हार्ट शेप बलून्स लेकर इन दिनों में चंद ज़्यादा पैसे कमाने की उम्मीदें लगाए बैठे हैं. और ये सारे माल लेने देने वाले अपने इस भोंडे रवैये को और बहुत सी गलत रवैयों को सिर्फ जस्टिफाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे. ये जुमला तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है ना कि लोग कहते हैं कि चलो इस बहाने बहुत से लोग माल तो कमा लेते हैं. अब कहने वाले कहते हैं कि इन गरीबों का भी तो भला हो जाता है. ये वैलेंटाइन इंडस्ट्री से बहुत से घरों को माश मिल जाता है. मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल मुश्किन मक्का ही का सा रवैया है. वो भी तो अपने मेलों ठेलों में जाते थे, वहाँ शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और फिर जुए की कमाई को वो क्या करते थे, सदका खैरात करते थे, ऊँटों को ज़िबा करके गरीबों को खिला के समझते थे कि इनका जुआ और ये इनका शराब जो है वो गरीबों की आसानी और उनकी सहूलत का जरिया बन जाता है. मैं आज वैलेंटाइन डे की तारीख के पस मंज़र में बहुत मामला और उसकी बात नहीं करूँगी. बस ये यहूद और नसारा की जो अंधाधुंध पैरवी की जा रही है इसके मुख्तलिफ पहलू कुरान और हदीस की नज़र के हवाले से कैसे हैं उसका एक जायज़ा लेने की कोशिश करूँगी. कुरान और हदीस की रूह से इस रस्म और इस फेस्टिवल को अडॉप्ट करने में क्या क्या कबाहतें हैं. 6 नकात अगर मैं आपके सामने रखूँ तो एक तो ये मोहब्बत के इजहार का इंतहाई नामुनासिब और हराम तरीका है. दूसरा, इसकी सारी सरगर्मियों का महासिल बेहयाई और फहाशी है. तीसरा, ये सरासर इश्क आशिकी की गंदगी को फैलाने वाली एक मुहिम है. चौथा, मर्द व जन के इख्तलात और महरम रिश्तों की हुरमत को पामाल करने वाली एक फखश सरगर्मी है. और फिर ये सारे का सारा काम, ये सरगर्मियाँ बेकार, बेफजूल, बेमकसद, ला यानी खराफात पर मबनी है. और फिर 6वें सदा पर गैर कौमों की, मगदूब यहूदी कौम और द्वालीन भटके हुए नसारा की अंधाधुंध तकलीद के सिवा और ये सारे का सारा मामला कुछ हकीकत नहीं रखता. मोहब्बत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लाम में मोहब्बत और उसके इजहार का तसव्वुर क्या है. याद रखिएगा, दीन इस्लाम तो है ही मोहब्बतों का दीन. इस दीन का फलसफा तो घूमता ही मोहब्बत के जज्बे के गिर्द है. कलमा पढ़ने के बाद ईमान की तकमील के लिए मोहब्बत ही तो ज़रूरी है. कलमा को जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है
तो ईमान लाने वाले का पैमाना कुरान वल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बा लिल्लाह, कि ईमान लाने वाले लोग मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। तो गोया जब तक अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत नहीं आएगी तो ना ही उसकी बंदगी मुमकिन है और ना ही अताअत मुमकिन है। इसी तरह हदीस मुबारका में मोहब्बत का अगला पैमाना दीन इस्लाम के अंदर क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। गोया हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत दीन का असल रंग चढ़ाने का जरिया बनती है। और फिर हदीस सिखाती भी नज़र आती है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मोमिन ना हो, और तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक बाहमी मोहब्बत ना करे। क्या मैं तुम्हें बाहमी मोहब्बत का नुस्खा ना बता दूँ? सलाम को फैलाओ। तो देख लीजिए, इस्लाम में मोमिन को सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और फिर बाकी तमाम मोमिनों की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। वो सुबह उठता है तो सुबह से लेकर शाम तक हर रोज़, सारा हफ्ता, सारा महीना, हर साल, सारी ज़िंदगी अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी ही से नहीं अपने इर्द गिर्द सब से मोहब्बत और खैरख्वाही का दर्स दिया जाता है। वो खैरख्वाही जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दीन और नसीहा के अल्फाज फरमाए, उसकी हर सुबह मोहब्बत का पयाम लाती है, उसका सारा दिन मोहब्बत की छतरी तले गुजरता है, वो रात को सारा दिन मोहब्बतें बांटने के बाद मोहब्बत की लोरी में सुकून से सो जाता है। इस मोमिन को एक ख़ास दिन पर एक ख़ास तरीके से किसी ख़ास शख्स को ख़ास अल्फाज और ख़ास तोहफों की मदद लेकर मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत नहीं है। उसे कुछ भोंडे और कभी और हराम करता मोहब्बत के इजहार के तरीकों की ज़रूरत भी नहीं है। उसे तो हदीस ने वादा कर दिया कि जब तुम में से कोई अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसे हज मबरूर का अजर दिया जाता है। ये मेरा और आपका दीन मोहब्बत और खलूस का पैगाम देता है, और इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते हैं तहाबू व तहादू, आपस में मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को तोहफे का लेन देन किया करो। तोहफे लेना देना पसंदीदा भी है, मोहब्बतों के बढ़ाने का तरीका और ज़रिया भी है, लेकिन ये दीन जो तोहफे लेना देना सिखाता है उसमें तोहफे कब दिए जाएंगे? बशर्ते के तोहफे हदूदुल्लाह के मुताबिक हों, जायज़ और हलाल तरीक़ों से दिए जाएं, और इनको देने और लेने का मकसद भी हलाल और जायज़ रिश्तों, नातों और मोहब्बतों को बढ़ाना हो, ना कि बेहयाई या इश्क व आशिकी और ना महरम और मखलूत अंदाज को फ़रोग देना। मोहब्बतों में एक नापसंदीदा और हराम और कभी तरीका इख्तियार करने के बाद दूसरी कबाहत इसमें बेहयाई और फहाशी का फरोग है। हया के हवाले से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का एक बुनियादी वस्फ होता है और इस्लाम का बुनियादी वस्फ हया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमें बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हया करने वाले थे, यहाँ तक कि हदीस में आता है कि आप एक कुंवारी दुशीज़ा से भी ज़्यादा शर्म व हया का पैकर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुझ में हया ना रहे तो तू जो चाहे कर। याद रखिएगा, बेहयाई हर शर का दरवाज़ा खोल देती है, हर शर का, हर बदी का दरवाज़ा खोल देती है। अल्लाह सुभाना ताला ने सूरह अल अनाम की आयत नंबर 151 में जहां अल्लाह ने हराम करदा चीज़ों का तस्करा इन अल्फाज में फरमाया, कुल तआलू अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि देखो तुम आओ मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या हराम किया है। वहां आगे जाकर अल्लाह सुभाना ताला ने हराम करदा फहरिस्त में क्या फरमाया, वला तक्रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतना, देखो तुम फहश चीज़ों के करीब भी ना जाओ, चाहे वो ज़ाहिरी एलानियाँ खुल्लम खुल्ली हों और चाहे पोशीदा। तो वैलेंटाइन डे का सारा पैगाम तो है ही बेहयाई का और फहाशी का,
ये तो सारे का सारा शैतानी चाल है जो लोगों को बेहयाई और फहाशी के जाल में फंसाने वाली चाल है। आप तारीख को पढ़ के देख लें, आपको पता चलेगा कि वैलेंटाइन डे के जो जुलूस निकलते थे उसमें क्या था। लोग बरहना होके, लड़के लड़कियां, जवान मर्द औरतें बरहना होकर अपने जिस्मों पर अपने माशूकों और अपनी माशूकाओं का नाम लिखवाने कर, ये किस किस तहजीब का रंग है ये तहजीब, ये त्यौहार क्या हमें, हम मुसलमानों को अपनाना हमारे जेब है, हमें जेब देता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। ये वो रस्म, ये वो सारे के सारे बेखयाई वाले बरहना जुलूसों को तो आज यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं बल्कि खुद इंडिया ने, खुद हिंदुओं ने भी अपने लिए बैन कर दिया। और हमारा हाल ये है कि हम इस कबीर फेल को अपने माशरे में जगह दे रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस रस्म को जारी किया, वो जो इसके बानी थे, वो आज इसके असरात देखकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आज हम अपने घरों के दरवाजे इसके लिए खुले बैठे हैं। अल्लाह हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाएं। अच्छा, तीसरी कबाहत जिसका मैंने तस्करा किया कि ये सारे का सारा जो ये जो त्यौहार है, ये इश्क व आशिकी का पैगाम देने का तसव्वुर है। इस्लाम में इश्क व आशिकी का तसव्वुर क्या है? याद रखिएगा कि इस्लाम दीन फितरत है, और दीन फितरत होने के तकाजे से मुखालिफ सिन्फ की कशिश, जिस्मानी ख्वाहिशात, इन तमाम चीज़ों का ख्याल अल्लाह सुबहाना ताला दीन की फितरत की ख्वाहिशात में रखता है। कुरान हकीम में अल्लाह सुबहाना ताला ने इस जिनसी ख्वाहिश की तकमीली के लिए हुक्म दिया, सूरह नूर की आयत नंबर 32 में, वान की हुलैयामा मिनकुम, कि देखो जो तुम्हारे मुजर्रद लोग हैं उनका निकाह करवा दिया करो। हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह की तरगीब के लिए फरमाते हैं, अन निकाह सुन्नती व मैं यरगबु अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, बेरहमती की, वो हम में से नहीं है। निकाह के लिए कुफ्र बराबरी को मद्देनजर रखने का तरीका सिखाया गया। निकाह के लिए बाकायदा चार्टर, वली की, गवाह की, फरीकैन की रजामंदी, हक महर, खुतबा, वलीमा, इन तमाम चीज़ों को सिखाया गया। यहाँ तक कि निकाह में पसंद, सूरह निसा की आयत नंबर 3 में, मा क्वामा लकुम मिनन निसा, पसंद को मलबूस खातिर रखने और एक दूसरे को, मर्द और औरत को एक दूसरे को आपस में देख लेना हदीस की ताकीद में है, ताकि आपस में मोहब्बत, उल्फत और बाहमी जो ताल्लुक है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसके अलावा बगैर निकाह के किसी मर्द या औरत का घूमना फिरना, दोस्तियाँ लगाना, इश्क व आशिकी के ख़त या मैसेजेस अरसाल करना, डेटिंग, फ्लर्टिंग, सीक्रेट लिविंग इन, खुफिया मोहब्बतों और दोस्तियों के ऊपर अपने माल और अपने वक्त और अपनी मोहब्बतें लुटाना, ऐसे रबते मोबाइल्स पर, इंटरनेट्स पर चैटिंग्स और फेसबुक्स के ज़रिए मोहब्बतों के इजहार के पैगाम भेजना, कुरान के हवाले से इसकी वाज़ नफी मौजूद है। सूरह निसा की आयत नंबर 25 में अल्लाह ने वाज़ तौर पर फरमाया, मुहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख्तानिन, कि निकाह करने वालियों के निकाह का मकसद सिर्फ मादा शहवत बहाना या आज़ाद शहवत रानी करना नहीं, घर बसाने की नीयत से निकाह करेंगी और पोशीदा दोस्तियाँ और आशनाइयाँ नहीं करती फिरेगी। ये इश्क व आशिकी की दास्तानें तो ये सारे जना की रुदाद ही की कड़ियाँ तो हैं। वो जना जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह इसरा की आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, वला तक्रबु ज़िना, देखो जना के करीब भी ना जाना, तुम जना के करीब भी ना पटको, बेशक वो एक फहश और एक बुराई का रास्ता है। और इस बुराई के रास्ते के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर फरमाया कि इंसान अपने तमाम हवास से जना करता है। देखना आँखों का जना है, लगावट से सुनना कानों का जना है, छूना हाथों का जना है, चल के जाना पाँव का जना है, और फिर शर्मगाहें या तो इनकी तकमील करती हैं और या तकमील से रुक जाती हैं। तो ज़रा रुक कर गौर तो कर लें, फिर ये सारे तमाम मोहब्बत नामे, ये मोहब्बतों के तोहफे तहाइफ, वैलेंटाइन डे पर इश्क आशिकी के इजहार के दावे जो किए जाते हैं, क्या ये कुरान और हदीस की तालीमात की रूह से, क्या इनकी गुंजाइश है, या कुरान और हदीस की रूह से ये शदीद कराहत और वाज़ह हुरमत है?
इसके बावजूद आज हालत ज़ार ये है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे टीवी में, मीडिया में, अखबारात तक में इस त्यौहार को हाईलाइट किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर अपने वैलेंटाइंस को मोहब्बत नामे भेजने की सहूलत दी जा रही है। ये सब शैतानी अमल है। हालांकि सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वला तत्तबिउ खुतुवात अश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि देखो तुम दीन में सारे के सारे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतानी के लिए अल्लाह ने एक और जगह फरमाया, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सुई वल फहशाई वन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, वो तो तुम्हें बदी का, फहाशी का, हर गुनाह के काम का हुक्म देता है। ये शैतान की खुल्लम खुल्ला पैरवी नहीं है तो और क्या है। और फिर अगर चौथी सतह पर मैं बात करूं तो जहां हमने देखा कि ये फहाशी और बदकारी की दावत देने वाला काम है, ये बेहयाई की तरफ पुकारने वाला काम है, ये मोहब्बत के इजहार का इंतहाई कबीह और हराम करता तरीका है, इससे ज़्यादा बड़ी कराहत जो इस रस्म में है वो ये है कि ये महरम रिश्तों की हुरमतों को पामाल करता नज़र आता है। ये रस्म माशरे में महरम और नामहरम की पहचान को मिटाने का ज़रिया बन जाती है। याद रखिएगा, इस्लामी सकाफत ने जिंसी जज्बात और शहवत की ख्वाहिशात पर डांट डालने के लिए, हदूद और कयूद को पाबंद रखने के लिए मर्द और औरत के इख्तलात को रोका गया है। और मुकाबले में, इन तालीमात के मुकाबले में ये रस्म मखलूत अंदाज को रवाज देकर इन तमाम चीज़ों पर कारी ज़र्ब लगाती है। सूरह निसा में अल्लाह सुभाना ताला ने मर्दों और औरतों के साथ महरम रिश्ते बता दिए, और सूरह नूर और अहज़ाब में अल्लाह ने रिश्तों के अलावा इख्तलात को मुख्तलिफ तरीक़ों से रोक दिया। सूरह नूर की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुभाना ताला ने घरों में दाखिले के लिए इस्तेज़ान का हुक्म, अल्लाह सुभाना ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में औरतों को हुक्म दे दिया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में वक़ार के साथ टिक के बैठी रहा करो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने औरतों को तबर्रुज से बचने का हुक्म, वला तबर्रुज ना तबर्रुज जाहिलियतिल उला, महरम ना महरमों के सामने अपनी जीनत के इजहार से रोका गया, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा, मर्दों को निगाहें काबू में रखने का हुक्म सूरह नूर की आयत नंबर 30 में, वक़्तों में नफ्सों रहें, उन मर्दों को कह दो कि वह अपनी निगाहें झुका के रखें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में, वक़्तों में नफ्सों रहें, ना उन औरतों को कह दो कि वह अपनी निगाहें झुका के रखें। औरतों को बात करने का तरीका, औरतों को चलने का तरीका, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 31, सूरह नूर की आयत नंबर 31 में औरतों को पोशीदा ज़ीनतों को ज़ाहिर करने से मना किया गया, अपने जिलबाबों से अपने चेहरों को ढांपने का हुक्म दिया गया, युदनीना अलैहिन्न मिन जिलाबिबिहिन्न, मर्दों और औरतों के इख्तलात को रोकने के लिए वसलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में हुक्म दिया गया। ये सब अहकामात क्यों दिए गए? महज इसलिए इस्लामी माशरे में इस्लामी इकदार, उसकी सकाफत, उसके तमद्दुन का रंग, जिसे अल्लाह सिबगतुल्लाह कह के पुकारता है, वो रंग गालिब हो जाए। तो क्या फिर ऐसे इस्लामी माशरे में वो त्यौहार जहाँ पे मर्द और जन, जवान साल, लड़के लड़कियाँ मोहब्बत के नशे में मस्त होकर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ लव एंड क्यूपिड्स ऑफ लव की मर्जी में आकर बेलगाम होकर मोहब्बत के तीर चलाएं, जिंसी मिलान और इख्तलात का ये ड्रामा रचाएं, और फिर वो ये समझें कि सिबगतुल्लाह का रंग कायम हो जाएगा? याद रखिएगा, इससे सिबगतुल्लाह का रंग नहीं, इससे जिनाकारी के भोंडे धब्बे वजा हो जाएंगे। फिर याद रखें कि अगली चीज़ जो इस सारे के सारे ड्रामे के अंदर बहुत कभी है, वो इन सारी के सारी सरगर्मियों का बेकार, बेफजूल, बेमकसद, मोमल, लायानी होना। ये सब माल, वक्त, सलाहियतों का एक शदीद ज़िया है। और मोमिन का तरीका ला यानी चीज़ों के साथ क्या है? बेकार, बेफजूल चीज़ों के साथ मोमिन का रवैया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वअनिल लग्वि मुअरिज़ून, वो तो तमाम लग्वियात से हरास करते हैं। कुरान में आता है, वइज़ा मर्रु बिल लग्वि मर्रु करामा,
कि जब वो किसी लघवियात के पास उनका गुजर होता है, लोग लघवियात के अंदर बेकार फहश मुमल लायानी चीज़ों के अंदर मुलव्वस नज़र आते हैं, तो वो इज्जत के साथ शरीफ नफ्स लोगों की तरह गुजर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, तर्क हु मा लायानी, सर लायानी चीज़ को छोड़ दो। याद रखिएगा, मोमिन मोमिन इस दुनिया में एक इम्तिहान गाह के तौर पर रहता है। उसका हर वक्त, हर लम्हा, हर सलाहियत, हर माल की एक एक कौड़ी जो है वो क्या है, वो कीमती है। उसे लगातार इम्तिहान में होने का एहसास है। उसके पास, उस मोमिन के पास तो मुश्किल से इतना वक्त है कि वो इबादत, वो अल्लाह के हकूक, अल्लाह के बंदों के हकूक आसान तरीके से अदा करे। उसके पास बेकार ला यानी सरगर्मियों की फुर्सत कहाँ है? उसे तो पता है कि उसको दुनिया की सरगर्मियों का जवाब देना है। उसको पता है कि हदीस ने बता दिया कि कोई इब्ने आदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे ले। जवानी कैसे गुजारी, उम्र कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, माल कैसे खर्च किया, और जो इल्म दिए गए थे उस पर अमल कहाँ तक किया। 5वीं गलत रवि जो बहुत बड़ी और शदीद है कि इस सारे के सारे वैलेंटाइन डे की सरगर्मियों में गैर कौमों की मुशाबिखत नज़र आती है। हम जो हर रोज़ अपनी इशा की नमाज की वितर रकतों की जो दूसरी रकत है उसमें हम सूरा काफिरून पढ़ के क्या कहते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, इसका अमली पैगाम क्या है? कि यहूद नसारा की अंधी तकलीफ ना की जाए, उनका दीन, उनका जाब्ता हयात उसको ना माना जाए। हम नमाज में, नमाज से आगे पीछे हर वक्त क्या दुआ करते नज़र आते हैं? सूरा फातिहा में हम क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाललीन। फिर ऊँची आवाज़ में आमीन कहते हैं, अल्लाह हमें मग़दूब यहूद और दुआलीन ईसाइयों के रास्ते पर ना चलाना। तो अमली तौर पर आमीन कहने के बाद उनके रस्तों पर खुद चलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी गैर कौम से मुशाबिखत इख्तियार की वो गोया उन्हीं में से है। ये बल्ले से बात दीजिए, ये वैलेंटाइन डे की सारी खराफात हमारे लिए हरामकारी, बदकारी और जिनाकारी के दरवाजे खोलेगी, हमारे लिए मकरूह और हदूदुल्लाह से तजावज़ सिखाने का तरीका करेगी। इस्लामी सकाफत तमद्दुन के रंग को मिटाने वाली हैं, इस्लाम को बर्बाद और ईमान को लूटने वालियाँ हैं, दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद करने वालियाँ हैं। इनसे शदीद इज्तनाब और परहेज़ करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद मैं सरे राह चलते चलते कुछ चीज़ों का तस्करा कर दूँ। आज का जो आज़ाद ख्याल वसों को और मॉडरेट्स का तबका है वो बसा अवकात फिर भी तौजीहात और तावीलात निकालता नज़र आता है। मैंने बसा अवकात लोगों को कहते हुए सुना कि अगर वैलेंटाइन डे के ऊपर एक बीवी शोहर को या शोहर बीवी को वैलेंटाइन गिफ्ट दे दे तो फिर इसमें क्या कबाहत है भाई? ना महरम गैर महरम का मसला है, ना छुपी आशनाइयाँ हैं, ना डेटिंग फ्लर्टिंग है, ना जिनाकारी की परेशानी है। तो फिर अगर वो दोनों इससे खुश हो जाए तो फिर मौलाना हजरात का क्या बिगड़ता है? अच्छा, मेरा जवाब मज़ीद एक सवाल है, बताएं क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करने वाला है? उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मिसाली शोहर तो ना ज़मीन ने देखा ना आसमान ने देखा। सहाबा इकराम सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आप फरमाते हैं आयशा। आप मोहब्बत के इजहार के लिए इस टूट के मोहब्बत करने वाले शोहर ने क्या मोहब्बत के इजहार के लिए कुछ ख़ास दिन या कुछ ख़ास अल्फाज या कुछ तोहफे दिए थे? अल्लाह सुभाना ताला जो अजवाजी मोहब्बत के तरीके सिखाते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 19 में फरमाया गया, आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, ए मर्दों अपनी औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजरान करो। सूरह बकरा में आयत नंबर 187 में फरमा दिया गया, हुन्ना लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन्ना, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास हैं। आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 223 में फरमा दिया गया, निसाउकुम हरसुल्लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। अल्लाह सुभाना ताला ने कुरान में अजवाज को मोहब्बत के इजहार के लिए क्या अल्लाह ने कोई मखसूस दिन सिखाया? मखसूस दिनों और महीनों का तसव्वुर तो शरीयत में मौजूद है। रमज़ान का महीना है, ज़िलहज का महीना, हज का महीना, रमज़ान का महीना, रोज़ों का महीना, हज जुमे का दिन, इबादात का दिन। लेकिन अजवाज को तो सारा साल,
सारी जिंदगी हतमी असूल सिखा दिए गए। मर्दों को हदीस ने सिखा दिया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं और तुम में से कामिल वो है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है। हदीस ने उन्हें हर रोज तोहफा और हदिया देना सिखा दिया, ये बताकर कि वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो वो तुम्हारे लिए सदका है। हदीस ने उनको क्या रग़बत दे दी कि वो तोहफा वो हदिया जो तुम अपनी बीवी को देते हो वो तुम्हारे लिए सदका है। उनको निकाह के पहले दिन हक के महर दिलवा के अपनी बीवी को आइंदा ज़िंदगी में उसके नान नफ़के तोहफों की तरबियत करवा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से मोहब्बतों के नमूने टूट कर मोहब्बत करने का अंदाज सिखा दिया। उमहातुल मोमिनीन में से कोई एक ऊँट पर सवार है, मिहार पकड़ने वाला जो शख्स है वो तेज़ी से ऊँटनी को भगा रहा है और कजावा बुरी तरह से हचकोले खा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को तोड़ाने वाले को मुखातिब होकर क्या फरमाया, आहिस्ता चलाओ, क्या तुम नहीं जानते कि इनमें आप गीने हैं, बर्तन में वहीं से पी के हड्डी को वहीं से चूस के जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिया या चूसा। नमूना सिखा दिया मोहब्बत के इजहार का, दौड़ें लगा कर, कुश्ती का खेल दिखा कर, दिलजोई के तरीके सिखा दिए। एक मुसलमान शोहर को मोहब्बत के इजहार के लिए एक ख़ास दिन पर एक सोने के हार में एक हार्ट शेप लॉकेट देकर या सुर्ख गुलाब देकर मोहब्बत के इजहार का एहतियाज नहीं है। याद रखिएगा, एक मुसलमान बीवी और मुसलमान शोहर की मोहब्बत तो वो अबदी मोहब्बत है जो उनके दिलों में उस जन्नत के अबदी घर में जमा होने का शौक पैदा कर देती है। कुरान एक मुसलमान बीवी को शादी के बाद सालिहा कौनता हाफिजा बना के इन जेवरात से रास्ता करके अपने शोहर की बेहतरीन महबूब बीवी बना देता है। उसको बनाकर उसके शोहर की आंखों की ठंडक बना देता है। वो तोहफे देकर अपनी मोहब्बत के इजहार की मोहताज नहीं है, वो तो खुद बसाते खुद एक तोहफा बन जाती है। जब हदीस फरमाती है कि दुनिया सारी की सारी मता है और दुनिया की बेहतरीन मता है एक नेक बीवी, और फिर एक नेक बीवी जो शोहर के दीन का सतून है वो बजाते खुद अपने शोहर के लिए एक तोहफा है। वो किसी खास तरीके से हर रोज़ जब उसकी खिदमत करती है, उसकी अताअत करती है, उसकी हिफाजत करती है तो उसे तोहफों से माला माल कर देती है। हदीस उसको सिखा देती है कि औरत जब अपने शोहर की खिदमत में लगी है उस वक्त वो अपने रब के करीब तरीन है। वो हर रोज़ सारा दिन उसको अताअतों और खिदमतों के तोहफे देती नज़र आती है। इस बीवी को मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं है। वो जब शोहर के लिए सजती है तो वो इबादत का अजर दी जाती है, वो सबर के उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देती है। याद रखिएगा, इतराज़ करने वाले फिर एक और इतराज़ करते हैं कि ये कुरान और हदीस की बातें करने वाले तो कहते ही हैं, लेकिन आज देख लो माशरे की अक्सरियत ये काम कर रही है। अक्सरियत की बात, अल्लाह कुरान में कहता है अक्सर हमला याकिलून, अक्सर हमला यशकुरून, अक्सर हमला योमिनून। अक्सरियत की बात करते हो, मेजॉरिटी की बात करते हो। अक्सरियत तो अकल ही नहीं रखती, अक्सरियत तो शुक्र ही नहीं करती, अक्सरियत तो ईमान ही नहीं लाती। और सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 116 में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अक्सरियत के पीछे चलोगे जो ज़मीन में बसते हैं तो वो तुम्हें रास्ते से भटका देंगे, वो तो महज गुमान के पीछे चलते हैं। अल्लाह सुभाना ताला, अल्लाह हमें अक्सरियत नहीं, हमें कुरान और हदीस के पीछे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इत्तबाए कुरान और हदीस का मामला हम सब के लिए आसान बना। अल्लाह हमें कजी से, ज़िद से, ढिटाई से बच कर अपने आप को, अपने घरों को, अपने आंगनों को सिबगतुल्लाह के रंग में रंगने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन या रब्बल आलमीन।